राहुल देव 90s के दशन के बाद सबसे खूंखार विलन कहे जाने लगे थे। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद राहुल इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। हालांकि पर्सनल लाइफ में हुए एक हादसे ने उन्हें बर्बादी के कंगार पर लाके खड़ा कर दिया। राहुल का बचपन से ही क्रिकेट की तरफ ध्यान था। इस बारे में वे कहते हैं, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, लेकिन दिल्ली की अंडर 19 और अंडर 16 टीम में भी खेला हूं मैं। हालांकि कभी पेरिस्टर्स को यह बताने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे पढ़ाई से ब्रेक लेके पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाना है। यही वजह रही कि क्रिकेट से दूर होता चला गया। क्रिकेट ना बन पाने पर राहुल ने मॉडलिंग का रुख लिया। उन्होंने देश विदेश में कई फैशन शो किए। मॉडलिंग करते हुए भी राहुल ने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया। उन्हें गुड लुक्स और ऑडिशन के जरिए फिल्म 10 में काम मिला। हालांकि मेकिंग के दौरान ही फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद की मौत हो गई, जिस वजह से फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद राहुल ने 2000 की फिल्म चैंपियन से फिल्मों में एक्टिंग ली। एक वक्त ऐसा आया कि 80 फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें मूवी के ऑफर मिलने बंद हो गए। आखिरकार उन्हें दूसरी पारी शुरू करने के लिए बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल शो में जाना पड़ा। बिग बॉस के बाद राहुल ने दोबारा एक्टिंग करियर में वापसी की। इस बार की स्ट्रगल स्टोरी में हमने राहुल देव की संघर्ष से भरी लाइफ जर्नी को समेटा है। लाइफ के हर दर्दनाक पहल के बारे में एक्टर ने हमसे बात की।